नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। धनसा धाम में एक महीना धरि लागे वाला मकर मेला शुरू, भक्तजन के भीड़। धनसा में बिजली के पोल आ तार व्यवस्थित नहीं कर विद्युत प्राधिकरण से लापरवाही, करेंट से भेल दू गोटे के मृत्यु के प्राधिकरण से दुर्घटना संज्ञा। धनसा के धनौजी में एक विद्यालय के दलित छात्रवृत्ति में हिना मिना, प्रधान अध्यापक फरार, गांव पालिका अध्यक्ष विरोध में पुतला दहन। धनसा जिला प्रशासन कार्यालय से सुशासन अभियान के निरंतरता, उत्कृष्ट कर्मचारी के सम्मान कैल गया। सातों प्रदेश में अपांगता फेल सभक लेल विशेष विद्यालय स्थापना करवाक सरकार के तैयारी। आप समाचार विस्तार से। मधेशक बड़का एवं करीब एक महीना धरि माघ के प्रत्येक रवि दिन लागे वाला धनसा धाम में लागे वाला मकर मेला आज से शुरू भेल। धनसा जिलाक पूर्वी उत्तरी क्षेत्र स्थित धनसा धाम नगर पालिका के धनसा धाम में माघ महीना प्रत्येक रवि दिन लागे वाला मकर मेला रवि दिन से विधिवत शुरू भेल। मेला में स्वदेशी तथा विदेशी श्रद्धालु भक्तजन सबके नीक सहभागिता रहित आयल। माघ महीना प्रत्येक रवि दिन लागे वाला मकर मेला देख आयल श्रद्धालु भक्तजन सब धनसाधाम स्थित धनुष मंदिर में पूजा आराधना करे। ऐतिहासिक धार्मिक एवं पौराणिक महत्व बोकने धनुषा धाम में मकर मेला में आवे वाला श्रद्धालु भक्तजन सबक संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़त जा रहा है। त्रेता युग में राजा जनक बेटी सीता के विवाह करवाक लेल आयोजना केने सीता स्वयंवर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तोड़ने धनुष के एक टुकड़ा आकाश, दोसर टुकड़ा पताल आ तेसर तेना धनुषक बीच के यानी कि मध्य भाग के टुकड़ा धनुषा धाम में खसल के वदंती रहल। विष्णु पुराण के अनुसार दधीची मुनि के हड्डी से बनल धनुष त्रिपुरा सुर संगम भेलाक बाद ई पिनाक धनुष शंकर भगवान परशुराम के देने छल। परशुराम ई धनुष जनक महाराज के देने के वदंती है। भगवान राम धनुष तोड़ला के बाद धनुष के तीन टुकड़ा भेल छल। धनुषक बीच के टुकड़ा गिरल स्थान में धनुष बाबाक मंदिर निर्माण पश्चात माघ महीना में मकर मेला लगत आबि रहल। श्रद्धालु भक्तजन धनुष के टुकड़ा में पुष्प जल अर्पण कर पूजा आराधना करे। जनकपुर से करीब 19 किलोमीटर उत्तर पूर्व में रहल धनसा धाम में धनुषक पूजा आराधना कर हरेक वर्ष लाखों की संख्या में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक सब श्रद्धालु लोकन सब अब भक्तजन सब पूजा आराधना क्रम में धनुष के अ टुकड़ा में पुष्प आ जल अर्पण कला से हरेक वर्ष धनुष के आकार बढ़त जा रहा समेत धनुष मंदिर के पुजारी महंत भरत दास के कहब छ। धनसा धाम में लागे वाला मेला में भारत तथा नेपाल के बहुते धर्मावलंबी सब अबैत। धनसा धाम के पर्यटक स्थल के रूप में विकास कर लेल राज्य से विशेष प्रयास कैल जेबाक आवश्यकता रहल धनसा धामवासी सबक माग समेत रहल। चर्म रोग समस्या सहित विभिन्न दुख कष्ट सब मुक्ति के लेल धनुष महाराज के भंटा के भार चढ़ावे वाला भक्तजन सबके समेत मेला में भीड़ भाड़ लगते है। मेला में लोहा के सर सामान सब पत्रक विशेष क बिक्री वितरण होते है। जनकपुर धाम क्वारामपुर में नेपाल विद्युत प्राधिकरण के लापरवाही से शनि दिन दू गोटे के मृत्यु भेल छल। विद्युत खम्हा के सपोर्ट के लेल गारल तार से 11,000 वोल्ट के करेंट प्रवाह भेला से ई दुखद घटना भेल। मोटरसाइकिल से जा रहल समय करेंट लाग के मिथिला बिहारी नगर पालिका के 34 वर्षक परमेश्वर मंडल आ सिराथला के 31 वर्षक जगन्नाथ साह के मृत्यु भेल छल। बेर बेर कहत एलो पर प्राधिकरण तार नहीं सरियौने स्थानीय वासी सबके आरोप है। एम्हर समय समय पर होत आयल एहन घटना के प्राधिकरण दुर्घटना कहिक अपन पल्ला झाड़ रहा है। अमित ठाकुर के स्थलगत रिपोर्ट।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सँग बिजुली के खम्भा आ तार के व्यवस्थापन पर ध्यान नै देल गेला सँग समय समय में सर्वसाधारण के अनाहक में जान जा रहल छ। यह लापरवाही के कारण सैन दिन धनुषा कुआरामपुर में दू गोटे के जान गेल छ। इस संदर्भ में सर्वसाधारण सब से पूछने छलौ विद्युत प्राधिकरण के लापरवाही के अपने सब कोन रूप में लेने छियन आक बात जहनाक तहना विद्युत गलती स्थानीय बाजू तो स्थानीय तो अबते रह जे काम लगी तो विद्युत की गलती तो विद्युत के बाबा काम ओकरा ओकरा कानू करवाई होय चाहिए विद्युत पर मतलब अहाँ के जथा भावी छोड़ देवी तो वो नहीं भेली ने बिहान तो मानी 10 गो आदमी अति आलतू फालतू अति क्यों भी मर सक नहीं गलती है देखभाल करबे नहीं करे तो आदमी 15 दिन से भैया बम छूटी है कह गए तो वो आदमी के कह गए सो आदमी के बात बनल के आ दो काल घटना भ गए तो अल सरिया गलती विद्युत के ला तो पहले शॉर्ट मारे छे तो फ्यूज गिर पड़े छे आप शॉर्ट मारे तो फ्यूज केला नहीं गिरी है कहीं गोटा के शॉर्ट मारे तुरंत फ्यूज गिर पड़े छे अभी शॉर्ट शॉर्ट मारे केला नहीं फ्यूज गिरी है हमरा सब के नाम ये है से गलती विद्युत रखने लेबर सब के बढ़िया कर्मचारी के हटा दल के लेबर सब रखने ठेकेदारी जोड़ दल के आदमी के मरबो अभी है कल के घटना के कारण से वो पूरे तो विद्युत के कमजोरी के कारण से कल घटना घटले कलाई कते एक स्थानीय वासी सब मतलब कई दिन कम्प्लेनो कल के ते के मतलब ये नहीं सुनल के ते के लिए कल के दू कोई के मृत्यु भले घटना घट गई कल के वो पूरे सरासर मतलब विद्युत के कमजोरी के कारण से कल के घटना घटले विद्युत के फोन करी तो फोन उठावे है विद्युत के आदमी सबसे पहले हाकिम साहब फोन उठा रहा है तेकर बाद में सबसे पहले चेक नहीं करा भी कत गलती की भले फोनो करी तो फोन उठबे गलती भले फिर चेक नहीं करा भी ओ गाड़ियों आबिके चेक कर सके छे जाले कोनो घटना होती तभी ते नहीं आबे के वैसे गाड़ियों आबि सके छे ने आ गाड़ियों जाके वो ठीक कर सके छे ती घटना नहीं होते मतलब बच जाते से बात अगारी अतः तो बच जाते मतलब अगारी नोटिफिकेशन जब देने है तो आबिके जो हेरचार कह देते तो घटना नहीं घटते विद्युत प्राधिकरण के दोष है विद्युत प्राधिकरण अहाँ के लापरवाही के चलते है सबसे मेन कारण की है जे पोलिंग जे कहने यहाँ के हाई टेंशन वाला लाइन जो लगे है वो लग जाए चाहे रोड धक आ ये लाइन सब यहाँ के खेत में है तान देने जैमें रास्ता पैरा है नहीं विद्युत के यहाँ के जो स्टाफ चाहे कर्मचारी कोई यहाँ के घूम के ओमे जाए नहीं खुला गाड़ी घोड़ा जाए वाला रास्ता है नहीं बाटू है ये नहीं धनुषा कुआरामपुर में करेंट लाग के मृत्यु भेल शिक्षक जगन्नाथ साह प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 12 कुआरामपुर में शनि दिन भेल शनि दिन नेपाल विद्युत प्राधिकरण के लापरवाही के कारण करेंट लाग के दू गोटे के मृत्यु भेल छल। मृत्यु भेल में से 31 वर्षक जगन्नाथ साह जनकपुर धाम स्थित मोनास्टिक स्कूल के शिक्षक छलथि। शिक्षक साह के आत्माक चिर शांति के कामना करैत स्कूल आई श्रद्धांजलि सभा के आयोजना कयने छल। स्कूल के शिक्षक विद्यार्थी संपूर्ण गोटे स्वर्गीय शिक्षक साह प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण केने छलन। शिक्षक तथा विद्यार्थी सब शिक्षक साह के तस्वीर में पुष्प अर्पण समेत केने छल। सिरहा थलहा के साह जनकपुर धाम के कदम चौक में रहत आब रहल छलन। साह के कन्या आ 5 वर्षक बेटा अछि। बीस सेवन से मृत्यु भेल कहल गेल माय बेटी के हत्या भेल कहैत हत्यारा के पकड़ के कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष मांग कलक अछि। मृतक जनकपुर उपमहानगरपालिका 4 रहनिहार समीर मिश्रक 25 वर्षक कन्या सीमा शर्मा के नैहर पक्ष आ किछ महिला अगुवा लोकनि जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ सीमा आ हुनक 2 वर्षक बेटी गौरी मिश्र के विष खिया कऽ हत्या कयने आरोप लगबैत फरार रहल सीमाक श्रीमान समीर के सेहो पकड़ि कऽ कार्यवाही करब मांग कयलक अछि। वैसे हम कल हेल्प कर देवे लेकिन अपने के वो चीज़ नहीं हेल्प हो सकल तक बाद अपने की सब मेंटली और फिजिकली टॉर्चर दे लगल वही के बाद अपने के इस कह लगल हमरा वॉशिंग मशीन अहाँ के घर में न आब भाई के कहो एक वॉशिंग मशीन किन के दे ते अनुसार चीज सब हरेक समय अपने के मेंटली फिजिकली टॉर्चर दे लगे। 2070 साल बैसाख 29 गते विवाह भेल सीमा के परिवार बेर बेर मानसिक तथा शारीरिक यातना दैत आयल आ गरगहना तथा रुपया
के लेल बेर बेर तनाव दैत आबि रहल सेहो ओ सब आरोप अपने के की कर छलिए अपने के हमर बहिन के सास कतौ चल जाय छलिए त अपने के हमर बहिन के सास की कर छलिए अपना ननद के घर में बैठा के फोन से केकरो से केकरा से बात करिए बाप मतर से की बात करिए भाई बहु जाय से की बात करिए से चीज सब सुन के लिए हर एक समय अपने के की एकदम कान खड़ा करके अपने के रही छलिए हर एक समय अपने के केकरो से फोन आयल त एक एकर फोन अब केकरा से हम बात कर रहा छी तो अनुसार से भाई भौजाई से वह बापे मतारी से बातचीत करे के लागी ओते अलाउड नहीं दै छलिए आ फोनो हमर बहिन ले के लागी अपने के ओकरा सबके कोनो ठन फोनो धैल रहे छलिए तो अपने के उठा के भाई से बात कर ले चाहे भौजाई से बात कर ले से अपने के पूरे एकदम डेरा रहे छलिए। सीमाक मृत्यु भेला लगले हुनक श्रीमान समीर मिश्र फरार भेल आ एखन धरि समेत संपर्क में नहीं अला समेत घटना में समीर के संलग्नता भेल होब सकबाक हुनका सबके तर्क अछि। हुनकर पति ओहि सब फरार छ गेल ऐसे इहो शंका उत्पन्न भ रहल कि ओहि में ओहि हत्या में संलग्न छथिन ते हिसाब से ओ अभी तक फरार छथिन कहाँ छथिन कोनो ओकरा ता पता नहीं छ। एम्हर राजपा नेत्री एवं सीमा के नातेदार सेहो रहल सरिता शर्मा सीमा के बेर बेर यातना दैत आयल बात अपना सबके जानकारी रहल यद्यपि इज्जत प्रतिष्ठा के डर से सीमा नै मानला से प्रहरी प्रशासन में घटना नै जा सकल धारणा रखली अछि। से रहते तेन तेन किसिम के टॉर्चर दै छै दिन रात घर के काम उपसने जा दू दिन आती है भरि में तीन बारी पोछा लगबै छलै ओकरा से घर से मतलब घर में एक पोछ से गेल नहीं छलै जे मतलब बिना टॉर्चर के ओकरा जिंदगी दिए छलै एकदम घरेलू हिंसा एकदम यातना सहल सहित ओकरा हद होइ छलै कि लेकिन ओ इतने चाहे छलै हमर ई बात हमर बाहर हमर समाज में नहीं जाए हमरा दुनू कोई के घर के अथी भए और हमरा जे घर में जेहो किनका है सेहो हमर रिलेशन खराब भए जाए लिखाएल कागज रहल एक साल डेढ़ साल पहिने अहाँके कागज लिखा गेल छलै जे मतलब मुद्दा देल जाते हैं किसिम के एम्हर मृतक सीमाक देवर शशि मिश्र प्रहरी हिरासत में रहल अपन बाबू माय दोषी नहीं रहला से रिहाई के मांग लेने घटना के अनुसंधान कर आ अपन भाई दोषी ठहर भेला पर सजाए देल जेबाक चाही कहित माय बाबू के रिहा कर देव आग्रह कलने दोषी देखियो दोषी अभी कार्रवाई अहाँ के छानबीन हो दोषी जे होते ओकरा सजाए मिलो हम ई नहीं कहै छी कि हमर दाजू है तो ओकरा सजाए नहीं मिलक चाही ओकरा मिलक चाही आ केकर गलती ही की है अहाँ के आवेश में आके क्षणिक देर के रीस के कारण हमरा जेना बुझाइए आ पति पत्नी के बीच में अनबन भेल हो ई नहीं हम कहब कि नहीं किछो भेल भेले के कारण से एना आवेश में आबि के क्षणिक रीस के कारण से आबि के एहन कदम उठाएल गेल हो हम ई नहीं कहै छी मगर अहाँ सब बूढ़ा बूढ़ी के जे अहाँ सब एना पीड़ित बनैले छी बूढ़ा बूढ़ी इधर ही अहाँ के दुनू लाचार स्वास्थ्य पूरे कमजोर है हमरा नहीं बुझाइए कि बेसी दिन रहला पर जीते। मिथिला सोम के राति में 27 से सीमा शर्मा के मृत्यु भेल छल तहिना मंगल दिन इलाजक क्रम में सीमाक दू वर्षक बेटी गौरी मिश्र के सेहो मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय धनसाक प्रहरी उपरीक्षक गोविंद थपलिया जनौलनि अछि। हत्याक आरोप में मृतक सीमाक साउस किरण मिश्र आ ससुर श्याम सुंदर मिश्र के पुलिस नियंत्रण में रखने अछि। सीमा के श्रीमान समीर फरार रहल अछि ऐसे पहिने शुक्र दिन महिला अगुवा लोकनि के अगुवाई में मृतक के परिवारजन सहितक सहभागिता में जानकी मंदिर से जनक चौक धरि दोषी पर कार्यवाही के मांग करैत प्रदर्शन कयल गेल छल आ जनक चौक पर दीप प्रज्वलन क के मृतक सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयल गेल छल। धनुषा धनौजी के नागरिक समाज गांवपालिका अध्यक्ष के पुतला दहन कलक अछि। धनौजी गांवपालिका वार्ड नंबर 2 स्थित श्री शंकर माध्यमिक विद्यालय में दलित विद्यार्थी के लिए आयल छात्रवृत्ति रकम हिनामिना के विषय समाधान नहीं केने कहित स्थानीयवासी गांवपालिका अध्यक्ष बद्री नारायण सिंह के पुतला दहन कलक अछि। ओहि क्रम में ओ सब नाराबाजी करैत गांव के परिक्रमा सेहो केने छल। धनौजीवासी 5 बुद्धाक मांग राखि धरना सेहो दैत आबि रहल अछि। छात्रवृत्ति बापत आयल रकम प्रधानाध्यापक विजय कुमार मंडल आसिन में निकाललो पर वितरण नहीं कर हिनामिना केने हुनका सबक आरोप अछि। रकम हिनामिना करय वाला प्रधानाध्यापक सहित के कार्यवाही विद्यालय के आंतरिक स्रोत के रूप में रहल 32 बीघा जमीन के संगे 4 पोखर के आमदनी खर्च पारदर्शी होब पड़त शिक्षा कार्यालय से प्राप्त अनुदान के पारदर्शी करय पड़त विषयगत शिक्षक से पढ़ाई लिखाई होब पड़त भ्रष्टाचारी के कार्यवाही सहित 5 बुधा मांग ओ सब अनिश्चितकालीन 5 बुधा मांग सहित ओ सब अनिश्चितकालीन धरना में अछि।
प्रधान अध्यापक मंडल फरार भेला के बाद गांव पालिका इस समस्या समाधान करबाक वचन देने छल। मुदा वचन पूरा नहीं केला के बाद स्थानीयवासी गांव पालिका अध्यक्ष विरुद्ध उतरल। विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कमलकांत झा, राजपाक क्षेत्रीय सदस्य राम स्वगारत भगत, बुधन महाराज, जोगिंदर शाह, गणेश पासवान लगायत धरना में अच्छे। धनौजी नागरिक समाज पुष 9 गते से धरना दैत आबि रहल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के वार्ड अध्यक्ष प्रमुख लाल किशोर शाह विरुद्ध के आंदोलन के तैयारी में जुटल अछि। एक वार्ड अध्यक्ष के होटल में जमा भक ऐसे पहिने प्रमुख शाह के ज्ञापन पत्र बुझौने करीब 16 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लोकन आंदोलन के तैयारी आ रणनीति के विषय में परामर्श कलक। बैसार में करीब एक दर्जन से बेसी वार्ड अध्यक्ष सब के सहभागिता छलन। वार्ड नंबर 10 के अध्यक्ष मिथिलेश लाल कर्ण के अनुसार उस 25 गते प्रमुख शाह के बुझौने ज्ञापन पत्र पर कोनो सुनवाई नहीं भेला से बैसार बैस के फिर से ज्ञापन पत्र बुझेबा के आंदोलन करबाक विषय में परामर्श कैल गेल बतौलन। पहिने हामीहरु चाहिँ यो 25 गते नगरपालिकामा जुन ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ आफ्नो हक हित वार्ड अध्यक्षको हक हितको अधिकारको लागि, त्यसमा चाहिँ अहिलेसम्म केही चाहिने कार्यवाही नभएकोले पुनः हामी 30 सदस्यहरू चाहिने बसेका छौँ छलफलको निम्ति। तपाईँहरूले भन्नुभयो कि माघ 1 गतेदेखि आन्दोलन गर्छु, हजुर, त्यसै कारणले हामीहरू चाहिने यो माघ 1 गते चाहिने माघे सङ्क्रान्ति भएकोले यताउता भएकोले हामी पुनः चाहिँ आज 5-6 गते भयो, हिजो बलिदान दिवस थियो, त्यस कारण नबसेर आज 6 गते बसेको। कहिले आन्दोलन घोषणा हुन्छ? हामी छिटो छिटो छिटोभन्दा छिटो गर्छौँ, भोलिदेखि पर्सि चाहिने ज्ञापन पत्र बुझाउने प्रयास गर्छौँ, तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। ओसब माघ 1 गते प्रमुख शाहके भेट करबाक योजना रहल पर तिला संक्रांति आ बलिदानी दिवसके कारण रुकल आ एके दू दिनमे फेरसँ ज्ञापन पत्र बुझेबाक सङ्गे आन्दोलन तय हेबाक बतौलनि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा प्रत्येक महिना नीक काज करयवला अपन कर्मचारीके उत्कृष्ट कर्मचारीके रूपमे कदर करैत मनोबल बढ़ेबाक परम्पराके शुरुआत कयलक अछि। जाहि अन्तर्गत कार्यालयमे गठन कयल गेल मूल्याङ्कन समिति कार्यालय भीतर पुष महिनामे नीक काज करयवला 2 गोटेके उत्कृष्ट कर्मचारी घोषणा सहित कदर पत्रसँ सम्मान कयलक अछि। उस महीनाक उत्कृष्ट कर्मचारी के रूप में नायब सुब्बा प्रभा वज्राचार्य आ कार्यालय सहयोगी नवल यादव सम्मानित भेलाह अछि। धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कलेल उत्कृष्ट दुनू गोटे के कदर पत्र प्रदान कयने छलनि। कर्मचारी सभक हौसला बढ़ावा आ मेहनत के संगे काज कर प्रोत्साहित करबाक लेल जिला प्रशासन कार्यालय धनसाक मूल्यांकन समिति प्रत्येक महीना उत्कृष्ट काज करयवला कार्यालय के कर्मचारी सबके कदर पत्र के संगे सम्मान करबाक परम्परा के शुरुआत कयलक अछि। प्रमुख जिलाधिकारी कनेल बीतल दिन सबमे जिला प्रशासन कार्यालय के कर्मचारी सब प्रति नागरिक सबक विश्वास के गुमल विश्वास के फिरता कर आ कर्मचारी सबक मनोबल बढ़ावा तथा काज प्रति प्रतिबद्ध कर एहन कदम अगाड़ी बढ़ाल गेल बतौलन। तो शैली में होना सकल तो आदेश कदापि होइन, अनुरोध को रूप में यहाँ बुझ्हुने मेरे अनुरोध प्रदेश नंबर 2 र धनुषा जिल्लालाई सुदृढीकरण गर्नको लागि नमूनायुक्त जिल्ला बनाउनको लागि तपाईँ हामी नै जिम्मेवार छौँ। हामीले गर्ने कार्यप्रणाली प्रवृत्ति र आचरण नागरिकले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा अस्वीकार गरेको अवस्थामा विकासको गति अगाडि बढ्नेछ। उत्कृष्ट कर्मचारीके रूपमा कदरपत्र पाउने कर्मचारी सबके आर मेहनत गर सङ्घीय कार्यालयमा काज गर्नेवाला आर कर्मचारी सबके मेहनतका साथ काम गर आग्रह गर्ने छ। आपतमे परल सबके तत्काल उद्धार क जान बचाबमे योगदान देने बापत धनुषाक जनकनंदिनी गांवपालिकाक प्रमुख प्रशासक अधिकृत कुलानंद झा के सम्मान कयल गेल अछि। जनकपुर धाम में आई भेल कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल अधिकृत झा के सम्मान कयलक अछि। कार्यक्रम में सीडीओ करेल समाज आ जिला में नीक काम काज करय वाला राष्ट्र सेवक के पहचान कर ठाम ठाम में सम्मान करबाक नीति अनुसार झा के सम्मान कयने बतौलन। जनकनंदिनी गांवपालिकाक प्रमुख प्रशासक अधिकृत झा ओहि गांवपालिकाक वार्ड नंबर 1 के 35 बरखक संतोष कुमार यादव गरीबी के कारण अपने गर्दन कटला के बाद तत्काल उद्धार कर जनकपुर अंचल अस्पताल में आन का और इलाज के लिए काठमांडू पहुँचेबा काज कला से झा के सम्मान कैल गेल। तहिना आईए सीडीओ करेल विभिन्न कार्यालय के नव आगंतुक अधिकृत सबके स्वागत कलन। कार्यक्रम में वो जनता के कामकाज में सक्रियतापूर्वक लाकर कार्यालय प्रमुख सबके निर्देशन देने छलन।
कर्मचारीको मोडालिटी अवलम्बन गरेको छ। यसको सुरुवात गत महिना अनिवार्य अवकाश पाउने अधिकृत संगम धन सहकारी समितिक सदस्य एवं एखनुक सामाजिक विकास मंत्रालय के उपसचिव मीरा मिश्र के दोसर लौड़ा के विदाई कल गया। कार्यक्रम में अधिकृत संगम धनसा के अध्यक्ष अजय कुमार झा, अंचल अस्पतालक मेसु डॉक्टर नागेन्द्र यादव, जनकपुर अंचल आयुर्वेद औषधालय के प्रमुख सीमा झा, निर्वाचन अधिकृत पुष्पा झा लगायत के उपस्थिति छलन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद सहमति कारण नै गका प्रधानमंत्री ओली बेमानी केने डॉक्टर केसी के आरोप। सातों प्रदेश में अपांगता भेल सबक लेल विशेष विद्यालय स्थापना करबाक सरकार के तैयारी। मेक्सिको के डाग्लो में तेल के पाइपलाइन में विस्फोट, मृत्यु बुनियार के संख्या खतर पहुंचल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब के समाचार। प्रदेश नंबर दो के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह युवा सभक स्वदेशी में स्वरोजगारी के लिए बिना कोनो शर्त 1,00,000 रुपया पूंजी बापत प्रदान करबाक घोषणा कयने। व्यावसायिक सीप विकास तालीम केन्द्र द्वारा रवि दिन से शुरू भेल सीप मूलक तालीम कार्यक्रम के समुद्घाटन करैत मंत्री शाह प्रदेश सरकार एत के युवा सब के प्रदेश में रोजगार देबाक उद्देश्य से 6 महीना भीतर में 1,000 दक्ष जनशक्ति के 1,00,000 के दर से व्यवसाय के लिए रकम प्रदान करबाक घोषणा कयने। देश लेल श्रमिक उत्पादन करै छलै, लेकिन आब जे छै एकरा विदेश लेल नहि उत्पादन कऽ रहल छियै। आब अपने गाम मे, अपने घर मे, अपने प्रदेश मे केना हमर भाई बहिन सब रोजगार पैतै, एकरा केना हम सब अपने गाम मे राख सकबै। शाह आप विदेश जाय नहीं पड़बाक आ सीप सीखने युवा सब के अपने गांव शहर आ देश में रोजगारी के लिए प्रदेश सरकार 1,00,000 रुपया पूंजी बापत बिना कोनो शर्त आ धरोटी प्रदान करबाक बतौलन। पहल चरण में 1,000 युवा आ 500 युवती के 1,00,000 रुपया प्रदान कयल जाय। ओ रकम ओहिना प्रदान नहीं करबाक बतबैत तालीम में दक्षता हासिल कयने आ प्रतिस्पर्धा से चुनल गेल सबके मात्र प्रदान कयल जेबाक बतौलन। ये भत्ता पावे वाला बात नहीं समझ के एकरा केना अहां जे चीज के ट्रेनिंग में अहां ले छिए, एडमिशन ले छिए, कंप्यूटर के ट्रेनिंग में ले छिए, ते कंप्यूटर के एते 6 महीना में ज्ञान हासिल कर लिया जे अहां के कतौ अहां के नौकरी भेट सके छै। तहिना सिलाई कटाई के विषय में एते अपने ये 3 महीना से 3 महीना के ट्रेनिंग छै, तो 3 महीना में एते अहां सक्षम भ जाओ जे अपना घर में बैठ के हजारों महिला जे छै अखन विदेश में नहीं आगे भारत में जे छै हम देखै छी अपन घर। तालीम केंद्रक प्रमुख तुलसी राम घिमिरे के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में मंत्री शाह एतस सीखने सबके सिलाई कटाई, मोबाइल मरम्मत, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल तालीम लेनिहार अध्यक्षता भेला के बाद एकरा स्वरोजगार के रूप में सदुपयोग कर आग्रह करे छलन। तेना सामाजिक विकास मंत्रालय के सचिव देवी राम भंडारी की तालीम विदेश पलायन होबय वाला युवा सबके रोकबाक उद्देश्य से आयोजना कयल गेल धारणा रखने छलन। ओ पहल चरण में 120 गोटे युवा सबके तालीम देल जा रहल कहित एमे 60 गोटे युवा आ 60 गोटे युवती सहभागी होबाक धारणा रखने छलन। 3 महीनाक तालीम लेल गेला के पश्चात अपने घर शहर आ गाँव में व्यवसाय कर ओ सब सफल होबाक विश्वास लेल गेल अछि। अनशनरत चिकित्सक डॉक्टर गोविंद केसी सहमति कारण नै कऽ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बेईमानी कयने आरोप लगौलनि अछि। आइ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल के आईसीयू कक्ष वार्ड में गेला लगले संचारकर्मी संग बातचीत करैत डॉक्टर केसी अपना संगे के समझौता कार्यान्वयन में प्रधानमंत्री ओली बेईमानी कयने आरोप लगौलनि अछि। ओ अपना मात्र नै भक्त 3 करोड़ नेपाली के प्रधानमंत्री ओली धोखा देने दावी कयलनि। लुटेको कालो धन सेतो गर्नलाई, यो मेडिकल इन्सुरेन्स सेतो गर्नको लागि चाहिँ, सेतो गरेर अथवा धन उपार्जन गर्नको लागि चाहिँ यो जनताको भुँडीमा लात हालेको, जनतालाई धोका दिएको होइन, मलाई धोका दिएको होइन कि हाम्रो अभियानलाई धोका दिएको होइन, 3 करोड नेपालले धोका दिएको होइन उसलाई। र म अब के भन्छु भनेदेखि जबसम्म यो ओलीजीको बेइमानी हो, किनभने ओलीजीसँग सम्झौता गरिसकेपछि के अरे उनले सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने हो नि, पालना गरे भनेपछि ओलीजीको बेइमानी हो।
डाक्टर केसी संसदीय समितिक प्रतिवेदन सहित संघीय संसदमा पेश भएल विधेयक यथास्थितिमा पास भेला पर 80% जनता स्वास्थ्य शिक्षा लेबसँग वञ्चित हेबाक दावी कयलनि। सरकार अपना संग भेल सम्झौता कार्यान्वयन केला पर तुरन्त अनसन तोड़बाक हुनक कहब छलनि। अपन इच्छासँ नै भक 3 करोड़ नेपालीके गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराबै लेल एहिसँ पहिने भेल सम्झौता कार्यान्वयन गर ओ अनसन बैसक पड़ल स्पष्ट कयने छलनि। तर हुँदाहुँदै के गर्यो भनेदेखि नेकपाकै जुन सरकारसँग सम्झाउँछ नेपालका नेकपाकै चाहिँ के अरे सांसदहरू उपसमिति शिक्षा स्वास्थ्य सबै उपसमितिका सभाले बहुमतका साथ जनता मारा र विद्यार्थी मारा मफिया पोस्नु उनीहरूले पन्द्रहम सत्याग्रहमे कयल गेल सम्झौता कार्यान्वयनके माग करैत इलाम पहुँचकर 16 सत्याग्रह शुरू कयने डाक्टर केसीके स्वास्थ्य अवस्था खराब होइत गेलाके पश्चात हुनका काठमाडौँ पहुँचाकर त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालके आइसियूमे राखिकर इलाज कराओल जा रहल अछि। आइसँ हुनका आइसियू वार्डमे पहुँचाओल गेल अछि। सरकार दुर्गम क्षेत्रके 16 जिल्लामे सेहो डायलिसिस सेवा विस्तार करबाक योजना सार्वजनिक कयलक अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादव डडेलधुरा डोटी जुमला प्युठान अर्घाखाँची पाल्पा इलाम पाँचथर लगायतके 16 दुर्गम जिल्लासम्म सेहो डायलिसिस सेवा विस्तार करबाक योजना आगाँ बढाउने छ। आइ सङ्घीय संसदके शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिके विचारमे हो देशके सब भागमे यी सेवा विस्तार गर सरकार प्रतिबद्ध रहल सेहो धारणा रखने छलनि। सरकार निःशुल्क विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन कर रहल अछि। ओहि कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्ष भित्रै दुर्गम 16 जिल्लामे सेहो डायलिसिस सेवा विस्तार करबाक योजना रहल राज्य मन्त्री यादवके कहब छलनि। केन्द्रबाट चाहिँ समयमा अस्पतालको रकम भुक्तानी दिने समस्या पनि छन्। यो भावी योजनामा चाहिँ यसपालि चाहिँ डडेलधुरा गोटी जुम्ला प्युठान अर्घाखाँची पाल्पा स्याङ्जा इलाम राज्यमन्त्री यादव ई सेवाके विस्तार गर अर्थ मन्त्रालयसँग आओर 1 अरब 25 करोड माग कयल गेल सेहो स्पष्ट कयलनि। सरकार चालू आर्थिक वर्षक लेल एहि कार्यक्रमके लेल 1 अरब 10 करोड 23 लाख बजेट विनियोजन कयने छल। ओहिमे सँ आब बाँकी 6 करोड मात्रै रहल सेहो राज्यमन्त्री यादव बतौने छलनि। विचारमे समितिक सदस्य लोकनि बिमारके चापके देखकर डायलिसिस मेसिनके उचित व्यवस्था गर नै सकल कहित सरकारके आलोचना कयने छल। समितिक दोसर सदस्य मान बहादुर विश्वकर्मा बिमारके चापके देखकर डायलिसिस मेसिन आ जनशक्तिके उचित व्यवस्था गर सरकारके सचेत करौने छलनि। राज्यमन्त्री यादव एहि कार्यक्रमके लेल सेहो बजेट तथा जनशक्तिके अभाव रहल स्पष्ट कयने छलनि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल 1 वर्ष भित्र किसानके खाद्यके अभाव होबय नै देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। मन्त्री खनाल कृषि क्षेत्रमे नीक प्रगति हासिल कर अपना अलगे किसान विश्वविद्यालय आ किसान आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना करय लागल सेहो जानकारी देलनि। राष्ट्रिय किसान आयोगके दोसर स्थापना दिवसके अवसर पर काठमाडौँमे भेल कार्यक्रममे हो किसानके प्रविधि सङ्ग जोड़िकर सरकार कृषि क्षेत्रमे सुधार आन चाहने सेहो स्पष्ट कयलनि। मन्त्री खनाल सरकार दूधके गुणस्तर सुधारमे नीक प्रगति कयने सेहो दावी कयने छलनि। कार्यक्रममे पूर्व कृषि मन्त्री हरिबोल गजुरेल कृषकके जीवनमे सुधार अनबाक उद्देश्यक सङ्ग कृषि सम्बन्धी नीति तय गर सरकार आ राष्ट्रिय किसान आयोगसँग माग कयने छलनि। संवैधानिक परिषद विभिन्न 5 आयोगके अध्यक्षके लेल नाम सिफारिस कयलक अछि। आइ सिंहदरबारमे बैसल परिषदके विचार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगके अध्यक्षमे बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगके अध्यक्षमे शान्ताराज सुवेदी, मधेसी आयोगके अध्यक्षमे डाक्टर विजय कुमार दत्त, थारू आयोगके अध्यक्षमे विष्णु प्रसाद चौधरी, मुस्लिम आयोगमे समीम अन्सारीके नाम सिफारिस कयलक अछि। संवैधानिक परिषदको बैठकले केही आयोगहरूमा अध्यक्षहरूको नियुक्ति गरेको छ। जसअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्षमा बालानन्द पौडेल पर्वतलाई नियुक्त गरिने सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा श्री शान्तराज सुवेदी प्युठानलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। मधेसी आयोगको अध्यक्षमा डाक्टर विजय कुमार दत्त धनुषालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। थारू आयोगको अध्यक्षमा श्री विष्णु प्रसाद चौधरी बर्दियालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेताको अनुपस्थितिमे संवैधानिक परिषद आयोगके अध्यक्ष सबके नाम सिफारिस करबाक निर्णय कयल गेल अछि। परिषद सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देव आइ विचारमे उपस्थित नै छलथि। परिषद सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संवैधानिक आ कानूनी दृष्टिसँग निर्णय करबमे समस्या नै पर्लासँ नाम सब सिफारिस कयल गेल बतौलनि।
संवैधानिक परिषद आयोग सभक अध्यक्ष तथा सदस्य सब नियुक्ति के लिए सिफारिश कक राष्ट्रपति समक्ष पेश करबाक संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद केने सिफारिश के आधार में राष्ट्रपति नियुक्त करबाक आयोग के पदाधिकारी सभक पदावधि 6 वर्ष के हैत। सरकार सातु प्रदेश में अपांगता भेल सबके लेल विशेष विद्यालय स्थापना करबाक तैयारी केलक अछि। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समिति के आय बैसल बैसार में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के सहसचिव वीर बहादुर राय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय से सातु प्रदेश में विशेष विद्यालय स्थापना के लिए जमीन खोजबीन करबाक काज शुरू केने जानकारी देलनि अछि। अपांगता संबंधी विद्यमान अवस्था के विषय में संसदीय समिति में जानकारी करबैत हो सरकार अपने पुनर्स्थापना केन्द्र नहीं रहला से किछ समस्या देखल गेलो पर धीरे धीरे केन्द्र स्थापना के लिए सेहो प्रयास भ रहल जानकारी करौने छलनि। राष्ट्रीय अपांग महासंघ के पदाधिकारी सब निर्वाचन एन लगायत में सरकार अपांगता भेल सबक लेल विशेष व्यवस्था नहीं केने उपराग व्यक्त केने छलनि। ओ सब अपांगता भेल सबके लेल सरकारी पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण में विलम्ब भ रहल कहित विदेश गंभीर बन आग्रह केने छलनि। नेपाल पुलिस सार्वजनिक यातायात में भ रहल महिला तथा बाल बालिका पर के हिंसा अंत करबाक लेल अभियान संचालन करय लागल अछि। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल सार्वजनिक यातायात में भ रहल महिला तथा बाल बालिका के हिंसा अंत करबाक लेल अभियान संचालन करबाक घोषणा कयने अछि। ओ ओहि के लेल महिला संजाल आ महिला तथा बाल बालिका क्षेत्र में कार्यरत संघ संस्था सबके संग सहकार्य कऽ कऽ आगाँ बढ़बाक योजना सेहो आगाँ बढ़ौलनि अछि। आइ महानगरीय परिसर टेकू में निर्माण कयल गेल नागरिक सहायता कक्ष भवन के समुद्घाटन करैत प्रहरी महानिरीक्षक खनाल नेपाल प्रहरी शांति सुरक्षा के सुदृढ़ बनेबाक समाज के विकास में सहयोग दान करैत लजेबाक योजना एक साथ आगाँ बढ़ावा चाहने स्पष्ट कयने अछि। प्रहरी महानिरीक्षक खनाल नेपाल में प्रहरी आ नागरिक समाज बीच के संबंध विकसित देश सबसे सुमधुर रहल सेहो बतौलनि अछि। ई भवन नेपाल बांग्लादेश बैंक के 19,50,000 आर्थिक सहायता में निर्माण कयल गेल अछि। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ सरकार अपना केने प्रतिबद्धता अनुसार काज नहीं कयला से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवर्धन में समस्या आयल धारणा रखलनि अछि। राजधानी में आयोजित व्यापार आ लगानी संबंधी अंतरक्रिया कार्यक्रम में अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकार नेपाल में चिनिया बैंक स्थापना करबाक प्रतिबद्धता जाहिर कयलो पर एखन धरि होबय नहि सकल बतौलनि। ओ चाइना संगे के नेपाली व्यापार विस्तार के लिए नेपाल में चीनिया बैंक स्थापना भेनाई जरूरी रहल धारणा रखने छलनि। ओ प्रतिबद्धता जाहिर कलो पर एखन धरि ओहि दिस प्रयास नहीं भेनाई दुखद भेल धारणा रखने छलनि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवर्धन में कार्यरत चाइना परिषदक टोली संग ओ बैंक स्थापना के लिए प्रयास करैत नेपाल में लगानी बढ़ावा आग्रह कयने छलनि। व्यवसाय में चाहे तो आयात में होस् इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में हो कारण नेपाल संघ के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विस्तार के क्रम में परिषदक 30 सदस्यीय टोली नेपाल भ्रमण में आयल अछि। नेपाल में रेलवे विकास बैंकिंग संबंध हवाई संपर्क तथा पर्यटन के क्षेत्र में चीनिया व्यापारी टोली साँख देखौने चैम्बर के अध्यक्ष श्रेष्ठ धारणा रखने छलनि। आब इंटरनेशनल न्यूज। मेक्सिको के इडा लोगो में तेल के पाइपलाइन में विस्फोट में पड़ कर मृत्यु भेनिहार के संख्या 71 पहुँचल। शुक्र के साँझ घटना में दर्जनों घायल भेल छल। सरकारी स्वामित्व के प्रमेक्स पेट्रोलियम कंपनी पाइपलाइन से अवैध रूप में तेल निकालित कारण अगलगी भेल होब सकबाक अनुमान कयल गेल। राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल ओबियाडोर तेल चोरी रोक आवश्यक कदम उठेबाक धारणा रखलनि अछि। इडालगो में बीतल वर्ष तेल चोरी से राज्य के $3 अरब बराबर के नुकसानी भेल छल। अंत हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। धमसा धाम में एक महीना धरि लागे वाला मकर मेला शुरू, भक्तजन सब के भीड़। धमसा में बिजली के पोल आ तार व्यवस्थित नहीं कर विद्युत प्राधिकरण से लापरवाही, करेंट से भेल 2 गोटे के मृत्यु के प्राधिकरण से दुर्घटनाक संज्ञा। धमसा के धनोजी में एक विद्यालय के दलित छात्रवृत्ति में हिना मिना, प्रधान अध्यापक फरार, गाँव पालिका अध्यक्ष के विरोध में पुतला दहन। धमसा जिला प्रशासन कार्यालय से सुशासन अभियान के निरंतरता, उत्कृष्ट कर्मचारी के सम्मान कयल गेल।
सातो प्रदेश में अपांगता भेल सभक लेल विशेष विद्यालय स्थापना करबाक सरकार के तैयारी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।